हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो फिर एक और नई रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। हिडन फीलिंग्स, आपके पार्टनर जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त हम देखेंगे, और देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उनके बारे में नहीं पता हैं और अब आपको पता चलेंगी। यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। तो उनको लगता है आप हमेशा अपने आप को सही सोचते हो, अपने बारे में सही सोचते हो, और आपको लगता है आप हमेशा सही होते हो, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। थोड़ा उनको लगता है आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम है। यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। तो भाई उनको ऐसा लगता है कि आपने हमेशा उनको हर्ट किया है अपने झूठे शान के लिए या झूठे दिखावे के लिए। ये उनके दिल में छुपे हुए दर्द हैं, तकलीफें हैं, जो वो आप जान नहीं पाए कभी और अब निकल रहे हैं। आई एम ओवर पोजेसिव फॉर यू, एंगर इज़ जस्ट आउटकम। तो वो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि उनके पार्टनर उनके लिए ओवर पोजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, जिसकी वजह से उनको गुस्सा बहुत आता है। और ये गुस्सा केवल एक बहाना है, वो सिर्फ आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये ओवर पजेसिवनेस है उनकी। आई एम नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू, गिल्ट इज टेकिंग मी अवे। तो कोई कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल नहीं हूँ और मुझे गिल्ट है इस बात का, इसीलिए मैं खुद से अलग हो गया हूँ। ठीक है, जिसके लिए जो भी मैसेज हो वो ले लीजिएगा। नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज। तो यहाँ पे कि बोलना चाहता है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, ख़त्म कर देना चाहिए इसको, प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। माई डिज़ायर्स आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज़ मी। तो देखिए, उनके ख्वाहिशें आपके इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, उनके पास बहुत कुछ है सोचने के लिए, करने के लिए और अपना टाइम बर्बाद करने के लिए। तो वो आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और उसके बाद लौट कर आऊँगा तुम्हारे पास कि सॉरी गलती हो गई मुझसे। तो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी आई है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।